सन का मतलब होता है सूरज, सन का मतलब होता है बेटा, मतलब बोला सेम जा रहा है लेकिन स्पेलिंग दोनों की डिफरेंट है और मीनिंग भी दोनों के डिफरेंट है। इस सन का मतलब है सूरज, इस सन का मतलब है बेटा। यही हमारे होमोफोन्स रहते हैं, मतलब जिनकी स्पेलिंग तो स्पेलिंग भी अलग हो और उनके मीनिंग भी अलग हो लेकिन जो बोलने का वॉइस है, जो बोलने का तरीका है वो दोनों का सेम होता है और उसकी आवाज भी हमारी क्या आती है, सेम ही आती है। इसे हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे सन और सन, अब हम ये नहीं बता सकते ये सन कैसा है, ये सन बेटा है या फिर ये सन सूरज है। जब हम पूरा सेंटेंस बोलते हैं तब हमें पता चलता है कि सन माने जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो वो इस सूरज की बात कर रहा है कि सूरज जो है वो कहां से उगता है, ईस्ट से उगता है। अगर इस सन की बात करें, आई लव माई सन, मुझे अपने बेटे से बहुत प्यार है, इस सन का मतलब हो गया बेटा। मतलब दोनों की साउंड सेम आ रही है लेकिन जो उनका मीनिंग होता है वो बिल्कुल अलग होता है। यही हमारा होमोफोन्स होता है। थैंक यू।